नमस्कार दोस्तों, जेई एडवांस के इलेक्ट्रिक फील्ड के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के दो क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस आप जेई एडवांस के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसको आप ध्यान से देखिए। ए पार्टिकल हैविंग चार्ज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड मास 1.6 × 10⁻³० केजी इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड स्मॉल यू एट एंगल 45° विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द लोअर पॉजिटिव प्लेट एज शोन इन फिगर। ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। यहां से एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया यू वेलोसिटी से 45° पे। इस पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है और मास जो है वो दे रखा है 1.6 × 10⁻³ केजी। तो कह ये रहा है कि सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज 2 सेंटीमीटर। इन दोनों प्लेटों के बीच सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है, जिसको वाई मान लिया मैंने। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सो दैट इट डजंट हिट द अपर निगेटिव प्लेट इज। तो आपको मैक्सिमम इस वेलोसिटी बतानी है, प्रोजेक्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताना है कि ये जो पार्टिकल है वो अपर प्लेट को हिट ना करे। तो इसमें आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है क्वेश्चन में वो पॉजिटिव टू नेगेटिव 10³ वोल्ट पर मीटर दे रखी है। तो बेटा इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है वो आप ध्यान से देखिए। द पार्टिकल विल नॉट हिट द अपर प्लेट इफ द वेलोसिटी कॉम्पोनेंट नॉर्मल टू द प्लेट बिकम्स 0 बिफोर रीचिंग द अपर प्लेट। कहने का मतलब यह है कि ये अगर मैक्सिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ तो यहां पर जो रीचिंग वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का जो ये इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल कंपोनेंट की, ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी प्लेट पर पहुंचने से पहले 0 हो जानी चाहिए। फार्मूला यानी वी वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए। आपके पास फार्मूला है वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2ay। और इस क्वेश्चन के हिसाब से वी वाई अगर 0 है तो हम लिख सकते हैं 0² और यू वाई यानी यू साइन 45°। अगर ये यू है, ये 45° है, तो ये यू कॉस 45, ये यू साइन 45 हो गया। तो यू साइन 45 का होल स्क्वायर यू वाई स्क्वायर माइनस 2ay। ए जो है वो फोर्स अपॉन मास होता है, फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यू इंटू ई अपॉन मास। ए की वैल्यू पुट कर दी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू वाई। इसको सॉल्व करने पर, इसको जब सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पर सारी वैल्यूज पुट कर दी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, मास जो दिया हुआ है 1.6 × 10⁻³० केजी दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10³ वोल्ट पर मीटर है और वाई की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है यानी 2 × 10⁻²² मीटर है। सॉल्व करने से यू की वैल्यू 2√2 × 10⁶ आ जाएगी, यानी इस मैक्सिमम वेलोसिटी से जब ये पार्टिकल प्रोजेक्ट होगा तो ये अपर प्लेट को हिट नहीं करेगा, हिट किए बिना जो है रिटर्न बैक हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सेकेंड पार्ट, सेकेंड ऑप्शन है, 2√2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, ए व्हील हैविंग मास स्मॉल m हैज चार्ज प्लस q एंड माइनस q ऑन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है, ये व्हील है जिसका मास m है, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे यहां माइनस क्यू चार्ज है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, ये व्हील जो है वो इक्विलिब्रियम में है फ्रिक्शन की वजह से, रोल नहीं कर रही है नीचे। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड दे रखा है, तो कह रहा है कि कितना सफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि ये व्हील इक्विलिब्रियम में होगी। करना क्या है बच्चों आपको, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो व्हील है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि अपवर्ड है तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगेगा फील्ड के अपोजिट, और इसका वेट व्हील का इसके सेंटर ऑफ मास पे एमजी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अगर ये व्हील इक्विलिब्रियम में है,
अगर स्लाइड डाउन या रोल डाउन नहीं कर रही है तो इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क अबाउट पॉइंट सी जीरो होना चाहिए. फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द व्हील टॉर्क अबाउट पॉइंट सी, टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट शुड बी जीरो, यानी टाउ सी इज इक्वल टू जीरो. अगर ध्यान से देखिए तो ये वाला जो फोर्स है वो पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, तो इसका इसका टॉर्क जीरो होगा. इस वाले को अगर देखेंगे mg को, ये r है, स्मॉल r रेडियस है, तो फोर्स mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r साइन थीटा हो जाएगा. तो ये हो जाएगा mg इनटू r साइन थीटा, और ये जो फोर्स है इसको क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है mg. तो इस क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव ले रहे हैं. ये जो फोर्स qe है ये इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पूरा 2r है, डायमीटर 2r है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, बहुत ही बेसिक बात है. तो अगर ये थीटा है, ये 2r है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2r sin थीटा. तो इसका मतलब QE into 2r sin थीटा, ये जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा. तो नेट टॉर्क हो जाएगा पॉजिटिव टॉर्क माइनस नेगेटिव टॉर्क इज इक्वल टू जीरो. इसको सॉल्व करने से E की वैल्यू mg by 2q आ जाएगी, और इस तरह से आंसर जो इसका होगा वो सेकेंड होगा mg by 2q. एक बार आप इसको देख लीजिए.